नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में यस बैंक के स्टॉक को डिस्कस करेंगे। और मुझे पता है कि ये जो डिस्कशन होने वाला है इससे बहुत सारे लोग दुखी होंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म के टेक्निकल ट्रेंड यस बैंक का वीक लग रहा है और जबकि क्वार्टरली नंबर्स काफी बेहतर रहे थे। मोतीलाल ओसवाल ने 1920 के लेवल्स प्रिडिक्ट करे थे और मुझे लगता है कि 20 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं। और अगर पहले से ही आप एनालिसिस करके रखते हैं तो डाउन ट्रेंड को आप अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं, ना कि डरते हैं। तो थोड़ा मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा सीरियसली देखें और मेरे क्या व्यूज हैं उसको समझें और आपके अपने व्यूज से आप उस व्यूज को मिला सकते हैं। तो एपिसोड में आगे बढ़े उससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे। इस समय यस बैंक देखेंगे तो 24 के आसपास के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक के जो क्वार्टरली नंबर्स रहे थे काफी बेटर रहा था। यहां अगर सेल्स देखेंगे तो क्वार्टरली हाईएस्ट एवर सेल्स रहे थे, उसके साथ ही कंपनी के जो नेट प्रॉफिट रहा था वो भी अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो मोर देन 500% का गेन दिखा था, लेकिन नेट प्रॉफिट के जो एक्सपेक्टेशन थे वो लगभग 700% गेन के थे। तो नंबर्स एक्चुअल कैसा रहा वो इतना इंपोर्टेंट नहीं रहता है शॉर्ट टर्म में, जितना एक्सपेक्टेशन को बीट या अनबीट करना होता है। तो ये एक्सपेक्टेशन को यस बैंक बीट नहीं कर पाई, जिसके कारण भी सेंटिमेंटल डाउन ट्रेंड इस स्टॉक में देखने को मिला है। हालांकि एफआई और डीआई ने तो अपने पोजीशन को बढ़ाए हैं। यहां देखेंगे जो एफआई और डीआई है उसने अपने पोजीशन को तो बढ़ाए हैं। यहां देखेंगे तो जो एफआई का पोजीशन है वो अगेन थोड़ा बहुत जो घटा था वो बढ़ते हुए दिखा है और हाईएस्ट एवर होल्डिंग एफआई का दिख रहा है और डीआईज की होल्डिंग भी हाईएस्ट एवर दिख रहे हैं और बेचा कौन है? पब्लिक। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय थोड़ा आपको कौशन बरतना चाहिए और वो क्यों लगता है वो आप चार्ट के माध्यम से देखेंगे। यहां मैंने यस बैंक के चार्ट को ओपन कर लिया है और यस बैंक के चार्ट को देखें तो क्या पाएंगे? यहां पाएंगे कि लोअर लेवल के जो कंसोलिडेट का ब्रेकआउट था वहां से स्टॉक ने लगभग 60% के गेन दिए हैं और इस 60% के गेन देने के बाद इस समय स्टॉक के कंसोलिडेट करके देखेंगे तो एम पैटर्न बना करके ब्रेकडाउन कर रहा है और इस ब्रेकडाउन में आप ले करके चले ये मान करके चले कि जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो ये वाला सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा जहां डिमांड आते दिखेगी। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर 19 के नीचे के एसएल को ही लेंगे क्योंकि इसके नीचे की वीकली क्लोजिंग ही निगेटिव ला सकता है और शॉर्ट टर्म में ये गिरावट यहां तक आ सकती है, जिसको अगर परसेंटेज वाइज अगर मैं गिरावट को दिखाऊं तो आप पाएंगे इस प्राइस से लगभग देखें तो 15-18% कितने परसेंट 15-18% तक के डाउन ट्रेंड आपको दिख सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो बिल्कुल कौशन बरतेंगे, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो कौशन बरतेंगे और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं वो इस गिरावट को और इस जोन को एज अ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म का ट्रेंड तो निगेटिव दिख रहा है लेकिन एक बार अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म के ड्यूरेशन के ट्रेंड दिखाऊं, मैंने मंथली टाइम फ्रेम के ट्रेंड को ओपन कर रखा है और यहां जो आरएसआई आपको दिख रहा है वो देखेंगे तो 54 के आसपास का आरएसआई है और यहां से अभी भी जो चैनल बन रहा है वो हायर हाई हायर लो दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस के आसपास से रिट्रेसमेंट ले रहा है जो मैक्सिमम 20 तक के डाउन ट्रेंड दिख सकते हैं। लेकिन इस रिट्रेसमेंट के बाद का जो 28-30 के लेवल का ब्रेकआउट होगा वो मुझे इजीली लगता है कि ये वाला जो जोन देख रहे हैं 48-52 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। और एक बार अगर मैं आपको यहां मूविंग एवरेज के लेवल्स भी दिखाऊं तो यहां देखेंगे तो मैं सभी ड्रॉइंग को हटा देता हूं और पहला जो टारगेट आपको यहां दिख रहा है, यहां मैं मंथली टाइम फ्रेम को वीकली टाइम फ्रेम पे करता हूं, वीकली नहीं मंथली ही सही रहेगा लॉन्ग टर्म के टारगेट के लिए। और पहला टारगेट इजली ये वाला जो 40 जैसा लेवल दिख रहा है ये लेवल मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3-9 मंथ में दिख सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर काफी इस समय बचेंगे क्योंकि जो टेक्निकली ब्रेकडाउन हुआ है और ये डाउनसाइड जो है कैरी फॉरवर्ड ट्रेंड कर सकता है। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और दोस्तों में जरूर शेयर करें अगर ये वीडियो पसंद आए और अपने क्वेरी किस नेक्स्ट वीडियो में किस स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए उसके बारे में भी आप चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।